सभी भाइयों को सुरेंद्र चंद सनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एक कटड़ा हम कैसे तैयार करें। कटड़ा या कटड़ी, एक जो काफ है मुर्रा का हो या कोई गाय का हो, तो उस बछड़े को, बछड़ी को हम कैसे तैयार करें, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों का, हम किस तरीके से एक कटड़ा कटड़ी को तैयार कर देंगे या हमारी, हम क्या यूज़ करते हैं अपने फार्म पे। मैं फार्मर होने के नाते जो भी हमने आज तक सीखा है, जो भी हमने आज तक जाना है कि एक कटड़े कटड़ी को हम कैसे तैयार करें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस बारे में हम बात करें उससे पहले मैं कहूंगा जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आएँ उसकी जानकारी आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि कोई कटड़ी है या कटड़ा है वो पहले, जो पहला, जैसे भैंस ने बच्चा दे दिया और एक घंटे के अंदर अंदर या 2 घंटे के अंदर अंदर उसको सबसे पहले तो आप दूध पिलाइए। माँ का जो पहला दूध होता है जिसको हम खीस कहेंगे, वो शुरू कर दीजिए 1-2 घंटे के अंदर ही। और उसके बाद आप उसको पहले 5-6 दिन फुल पेट भर के उसको दूध पिलाइए, ताकि जो दूध है वो भी हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता और जो उसका पेट है वो इन फ्यूचर अगर हम उसको खीस ज़्यादा पिलाएंगे तो वो ज़िंदगी में कभी भी अगर हम ज़्यादा दूध भी पिलाएंगे तो वो उसको पचा लेगा। अभी हम बात करेंगे पेट के कीड़ों की दवाई की। तो जो काफ है उसको मैं शेड्यूल बताऊं आपको, जैसे कि पहले दिन उसने जन्म लिया तो आप 7 तारीख को दवाई, जैसे कि 1 तारीख को जन्म लिया तो 7 तारीख को पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए, फिर 21 को और फिर 30 तारीख को। जो पहले महीने में उसको 3 बार पेट के कीड़ों की दवाई होगी, उससे आगे जब तक वो 6 महीने का नहीं होता, तो 6 महीने का नहीं होता तब तक आप उसको हर महीने पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए। और उसके बाद जो आप रेगुलर जो पशु हैं आपके पास घर पे, जैसे 3 महीने में देते हैं या 4 में देते हैं या 6 महीने में देते हैं, उस 6 महीने के बाद आप उसको उस तरीके से दवाई दे दीजिए जो आप बड़े पशुओं को देते हैं। तो पेट के कीड़ों की दवाई देते समय सावधानी हमें क्या बरतनी है, बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं कौन सी दवाई दें। आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें और उससे पूरा चार्ट बनवाएं, वही दवाई का शेड्यूल आप यूज करें। पेट के कीड़ों की दवाई काफ़ी तरह की आती है, तो अच्छे डॉक्टर से, वेटनरी सर्जन से आप सलाह लेके तभी दवाई दें। और कई बार है ना, पेट के कीड़ों की दवाई जो जिस कटड़े कटड़ी के पेट में कीड़े होते हैं तो उससे बंधा भी पड़ जाता है, जिसको हम कई बहुत बार लोकल भाषा में बोलते हैं पेट में जहर हो गया। तो उससे बचने के लिए आप एक तो पेट के कीड़ों की जब भी दवाई दें तो कटड़े कटड़ी को हफ्ते 10 दिन तक लीवर टॉनिक ज़रूर दें, और तो 20-20 ग्राम सरसों का तेल भी पेट के कीड़ों की दवाई के साथ दें। अभी आई दूध की बात, तो मैं कहूँगा कि आप कटड़ा कटड़ी जो भी तैयार करें, दूध बहुत सारे भाई पूरे का पूरा दूध छोड़ देते हैं कटड़ा कटड़ी को, वो ज़्यादा बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि अगर 1 साल में वो 1 लाख रुपए का दूध पी के अगर 30-40-50 हज़ार का बिके तो एक फार्मर को नुकसान है। आप इतना दूध ना पिलाइए उसको, लगभग ये मान के चलो उसको 2 किलो दूध सुबह 2 किलो शाम को, 3 महीने तक इतना दूध पिला के उसको फीड पे ले आइए, और फीड पे लेने के आने के बाद दूध थोड़ा कम कर दीजिए, उसकी हेल्थ अच्छी रखें। सरसों का तेल दे सकते हैं आप महीने में 15 दिन, लीवर की दवाई दे सकते हैं महीने में 15-20 दिन आप लीवर आयरन टॉनिक दे सकते हैं, तो ये दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं। दवाइयों का बहुत सारे भाई कहते हैं कि मैसेज आते हैं कि कौन सी दवाई दें, अच्छी कंपनी की कोई भी दवाई आप ले लो, जो अच्छी बहुत बढ़िया कंपनी हो उस कंपनी की दवाई आप यूज़ करो, लोकल कंपनियों की दवाइयाँ ना यूज़ करो क्योंकि उनके रिजल्ट्स बहुत ही कम आते हैं, अच्छी से अच्छी दवाई का यूज़ करो। और अभी बात आएगी दूध पिलाने का तरीके की, तो अगर जैसे कि ये 2 बर्तन रख रखे हैं हमने, एक तो ये बोतल है जिसमें हम दूध डाल के, जैसे कि कटड़ा कटड़ी हट गया था दूध पीने से माँ के नीचे से, सीधा उसके मुंह में दे देंगे तो उसको आदत पड़ जाएगी। इसकी बजाय मैं प्रेफर करूँगा इसको, इसमें आप दूध डाल दीजिए और दूध डालने के बाद जब कटड़ा कटड़ी इसी पे लग जाएगा तो इसमें दाना भी आप मिला सकते हैं, जो अपनी दूध वाली भैंसों को चाट डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। और इस पे लगने के बाद दूध के साथ उसको दाने का भी टेस्ट आने लगेगा इन फ्यूचर, जब आप 2-2.5 महीने का उसको शुरू करेंगे फीड, तो सबसे बेनिफिट तो इसका रहेगा
कि आप कुंडे पे ले लीजिए उसको, कटड़े को दूध पिला दीजिए। और जो ये निप्पल है ये तो कई बार है ना, अगर अपना पिलाने का तरीका सही नहीं हो तो ज़्यादा ऊपर उठा के इसको पिलाएंगे तो सांस वाली नली में दूध चला जाता है और पशु को फिर कटड़े कटड़ी को ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर इनसे उसका तरीका भी सही होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की हैं, और रूटीन में आप इसको यूज करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। इसके साथ साथ एक बात और बताऊं कि फीड में हम क्या दें एक काफ को, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोटीन का जो है स्रोत वो दीजिए, जैसे कि उसमें आप सोयाबीन की मात्रा ज़्यादा ले लीजिए, चने की मात्रा ज़्यादा ले लीजिए, मक्की की ज़्यादा ले लीजिए। तो इस तरीके से आप एक अच्छा डाइट तैयार करें कटड़े कटड़ी के लिए, और फीड पे आने के बाद उसको वो दीजिए। और पेट के कीड़ों की दवाई होगी, मिनरल मिक्सर भी दे दीजिए आप एक कटड़े कटड़ी को। तो इसके साथ दवाई कोई भी आप रेगुलर यूज ना करिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने कटड़ा तैयार किया, उसको हम 3-4 महीने लगातार लीवर टॉनिक देते रहे। जब लीवर टॉनिक बंद किया तो उसने खाना पीना बंद कर दिया, तो वो हैबिचुअल हो जाता है एनिमल उस दवाई के ऊपर। उसके बिना ऐसे कीजिए आप 15 दिन, महीने में 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन आप दवाई दे के फिर उसको बंद कर दीजिए और फिर दोबारा फिर शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से हम अच्छा कटड़ा कटड़ी तैयार कर सकते हैं, और एक फार्मर को जो बचत है वो कटड़ा कटड़ी की ही आएगी। एक छोटी सी बात और साथ में मैं कहना चाहूँगा, अच्छे बुल के, अच्छे माँ बाप के कटड़े कटड़ी पे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अच्छे कटड़े कटड़ी इन्वेस्ट का मतलब है ज़्यादा उसकी सेवा कीजिए। मैं ये कहूँगा कि जो अच्छा भैंस है और अच्छे बुल का कटड़ा कटड़ी है आपके घर पे, तो उस पे आप उस पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, और जो आम भैंस है उसके कटड़े कटड़ी पे अगर इस तरीके से जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे आप तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो एक जो हम पशु पालते हैं उसमें कहेंगे 1% या 1% से भी कम लोग तो शौक के तौर पे पालते हैं, बाकी 99% यही सोचते हैं कि उनको इस काम से 2 पैसे बचें। तो बचत भी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप रूटीन में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है, और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको जो हमने बताया वो आपको कैसा लगा, और इन फ्यूचर भी हम इसी प्रकार कोई ना कोई जानकारी जो हम डेली अपने फार्म पे फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके बारे में भी बताते रहेंगे। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।